हेलो एवरीवन, ये देखिए हमने आज ये कढ़ी बनाई है और देखने में इतनी सुंदर अच्छी दिख रही है। वैसी ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट कढ़ी हैगी और ये कढ़ी बनाना बड़ा आसान है और ये बड़ी देर नहीं लगती इसको बनाने में। इतना अच्छा तरीका, आसान तरीका है। चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। और ये हमने बेसन लिया है इसके लिए और सारे मसाले रखे हुए हैं हमारे तैयार। और ये मठा भी हमने फेंट के रखा हुआ है दही को। और ये हम भगोने में बेसन को ले रहे हैं अब फेंटने के लिए। और ये हम इसका घोल बनाएंगे और आपको ये कढ़ी अवश्य पसंद आएगी। इससे आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये कढ़ी देखिए हम बनाना जो हमने शुरू किया, आप देखिए इसे। और ये अब हमने इसमें मठा डाला है। मठे को हम इसमें धीरे धीरे डाल रहे हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से घुल जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गांठ या फुटकी नहीं रह जाएगी, है ना। इसलिए हम धीरे धीरे आराम से इसको फेंटते जा रहे हैं और मठा को भी हम डालते जा रहे हैं। और ये हमारा घोल बनके तैयार हो रहा है। आप देखिए, आप भी इसको बनाइए। ये हमारा तरीका बहुत आसान है। और ये हम मठे को पूरा डाल चुके हैं अब इसमें। और ये हमारी कढ़ी का घोल बन रहा है। देखना है हमें कि घोल कहीं गाढ़ा तो नहीं है, और गाढ़ा होगा तो इसमें थोड़ा हम पानी और ऐड करेंगे जिससे कि ये घोल बिल्कुल संतुलित सही बन जाएगा। और इसमें देखिए हमने थोड़ा पानी और ये ऐड कर दिया है। ये देखिए, ये पानी ऐड कर दिया है। हमारा घोल बिल्कुल अब सही हो गया है। ये हमने घोल बना के तैयार कर लिया है और हमने गैस को जलाया है ये। और हमारी गैस पर जो कढ़ाई चढ़ी हुई है वो गर्म हो रही है। तब तक हम घोल को देख रहे हैं चमचे से कि ये बिल्कुल सही है, पतला गाढ़ा जो भी है उसको हम देख रहे हैं। और ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है ये। और अब इसमें हम मेथी के दाने डाल रहे हैं ये। और इसके बाद हम इसमें जीरा डाल रहे हैं ये। आधा चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी एक पिंच करीब ये हींग है जो हमारी, ये डाल दी हमने। ये इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है हींग से। हल्दी पाउडर है ये और हमने इसको तेल में डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें पानी डाल दिए जिससे कि ये मसाला हमारा धीमी आंच में अच्छा धीरे धीरे अच्छी तरह से भुन जाएगा। इसमें ये हमने धनिया पाउडर डाला है, अब ये 2 चम्मच करीब है ये। और ये अब लाल मिर्ची पाउडर है, इसमें हमने आधा चम्मच ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और हमारा ये मसाला अब भुन रहा है। अच्छी तरह से भुन जाने पर ये कलर भी अच्छा आता है कढ़ी में और स्वाद भी अच्छा आता है। इसलिए ये हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया। और जो हमने घोल तैयार करके रखा है और वो घोल हम इसमें अब डाल रहे हैं। ये देखिए, हमारा घोल कढ़ाई में मसाले के साथ डल गया है ये। अब इसमें हम देख रहे हैं चला के कि गाढ़ा है कि पानी की इसमें और ज़रूरत है, तो इसलिए अब इसको इसमें हम थोड़ा पानी और डाल रहे हैं। देखिए, गाढ़ा और पतला देखना पड़ता है कि यहाँ थोड़ा इसे पानी की और ज़रूरत है। तो हमने भगोने को धोया, जिस भगोने में फेंटा था इसको, उसी से धो के इसमें पानी डाल दिया। और ये हमारी कढ़ी हमने छोंक दी है। ये हमारी कढ़ी बनने लगी है और इसको हम 30 मिनट के लिए ढाँक के रख देंगे। और ये हमारी सिंपल, ये धीरे धीरे ये कढ़ी बन रही है। इसके बाद हमने पकौड़ी का बेसन लिया है और उसमें हमने इसे 1 पिंच करीब ये हींग डाल दी। और इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार अपना जो जितना जैसा खाता है वैसा हमने इसमें नमक डाल दिया ये। और इसको अच्छी तरह से हम फेंट रहे हैं। जितना अच्छा बेसन फेंटा जाएगा उतनी ही सॉफ्ट कढ़ी बनती हैं, पकौड़ी बनती हैं, और जो कढ़ी में जाके अच्छी फूल जाती हैं। और इसको क्लॉक वाइज फेंटना है जिससे कि इसमें जो छेद से हो जाते हैं छोटे छोटे, बड़े अच्छी मतलब मुलायम और सॉफ्ट कढ़ी बनती हैं, पकौड़ी बनती है। इसमें कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। ये हमारा बेसन फिट के तैयार हो रहा है ये पकौड़ी का। और हम इसको ढाँक के रख देंगे। इसके बाद हमने ये पकौड़ी भी तल के तैयार कर ली। हमारी पकौड़ी तल गई हैं, ये डीप फ्राई किए इनको और हमारी कढ़ी बनने को तैयार हो गई है। ये बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके तड़के के लिए बना रहे हैं।
इसमें घी डाला हमने, 4 चम्मच ये घी डाल दिया, और इसमें हम साबुत लाल मिर्ची ये डाल रहे हैं, इसमें साबुत लाल मिर्ची इसमें तोड़ के डाली है ये, और ये हम अच्छी तरह से इसका मतलब तड़का बना रहे हैं, और गैस को बंद कर दिया जिससे जले नहीं है, और इसमें आधा मिर्ची लाल पाउडर, मिर्ची का लाल पाउडर डाल दिया है, और ये हमारी तड़का तैयार हो गया है ये। अब हम ये कढ़ी में हमने पकौड़ियों को अच्छी तरह से मिलाया है डाल के, ये देखिए हमने पकौड़ी डाल दी हैं सारी, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिला रहे हैं कि जिससे इसमें पकौड़ी और कढ़ी एकदम अच्छी स्वादिष्ट बन जाएगी और फूल के बराबर हो जाएंगी। इसमें तड़के को भी पूरा ये डाल दिया है, जो हमने तड़का बनाया था इसको डाल दिया है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया, धनिया से इसको गार्निश किया है, और देखिए ये धनिया से हमने गार्निश करने के बाद हमने तड़का और बना के रखा है, उससे उसको ऊपर से और हम ऐड करेंगे अब। और ये देखिए ये हमारा कढ़ी जो हमने निकाल के रखी है डोंगे में, उसको और हमने तड़के से और अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है। आपको ये कढ़ी बहुत पसंद आई होगी, आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, ये कढ़ी आपको बहुत पसंद आएगी।